आपके पास हमेशा होनी चाहिए अपने टेंट के अलावा वो है ये एक गैस स्टोव है, छोटा सा, इसको मिनी गैस स्टोव बोलते हैं। और ये इस गैस से चलता है, लिक्विड गैस, जो कि ये 225 ग्राम का एक कैन, मतलब आप खरीद सकते हैं अलग से। और सबसे कमाल की बात ये है कि इस स्टोव को जलाने के लिए आपको कोई माचिस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप कहीं पर भी, खासकर लद्दाख जैसे ऐसे इलाकों में जहाँ पे दूर दूर तक कोई दुकान वगैरह कुछ मिलती नहीं है, तो वहाँ पे ये बहुत ही कामयाब चीज़ है। और मेरे जैसे ट्रैवलर के लिए तो ये मेरे ख्याल एक मस्ट हैव इक्विपमेंट जो है वो होना चाहिए था। पर शुक्र है परो भाई का, शुक्रिया दिल्ली से जो हैं उन्होंने ये एक तोहफा मुझे दिया और ये मेरे बहुत काम आने वाला है। तो सबसे पहले चलो आज इसका ट्राई करते हैं, ट्रायल है, पहला दिन है। तो मैं बताता हूँ आपको कि ये कैसे इसमें अटैच होगा और फिर ये जलेगा कैसे बिना माचिस के। तो आज मैं चाय बनाने की कोशिश कर रहा हूँ एक इसके ऊपर। तो सबसे पहले बताऊँ मैं, इसके नीचे जो है ना ये चार छोटे छोटे इसके पैर लगे हुए हैं, इनको आप ओपन कर लीजिए, ठीक है, तो इसको सपोर्ट मिल जाएगा नीचे खड़ा रहने के लिए। उसके बाद ये जो है इसके साइडों में ये चारों ओपन कर लीजिए। तो ये क्या है, इसके ऊपर है ये जो कुकर है या कोई भी पतीला आप रख सकते हैं। और सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो ये कैन है 250 ग्राम, मेरे ख्याल इसमें गैस आती है लिक्विड। और ये रेगुलर अगर आप खाना बनाओ दोनों वक्त भी एक आदमी, तो 5-6 दिन आराम से मेरे ख्याल चल जाता है। तो इसके ऊपर जो एक लाल ढक्कन होता है इसको सीधा खोलना है और इसके साइड में ये एक स्पॉट है जिसके अंदर ये अटैच होता है। तो इसको आप अटैच करोगे कैसे, ये इस होल के अंदर आएगी, तो इसको आप अटैच करके थोड़ा घुमा दीजिए, ये इसमें अटैच हो गया है, ठीक है। अब ये अपना सिलेंडर है और इसके साथ अब इसको जलाते कैसे हैं बिना माचिस के, क्या कि ये एक बटन है, इसको थोड़ा घुमाएंगे ना बटन है इसके साथ ये वाली नीचे, तो उसको घुमा के जब गैस ऑन हो जाएगी तो इस बटन को दबा देना है। अभी मैं दिखाता हूँ आपको, ये कुकर रख दिया इसके ऊपर आपने और घुमा के मैं बटन दबाऊंगा, ऑलरेडी डाला हुआ है मैंने।
ये अपना मिनी गैस स्टोव, देखो यार कितना सा ये है ना, कोई वजन भी नहीं है। अब बताता हूँ मैं आपको, ये जो बटन है ना इसको थोड़ा सा ज़्यादा कर देते हैं, उसके बाद हो जाएगी ज़्यादा। ये देखो अपनी चाय बन रही है मस्त वाली। अरे भाई भाई बन गई, एक बच्चे को कोई नया सा खिलौना मिलता ना वो वाली खुशी हो रही है भाई। तो इस पे रोटी दाल चावल बनाया करेंगे, चाय जहाँ मन करेगा रुक जाएंगे। तो बन गई अपनी चाय, यहाँ से इसी बटन से ये बंद हो जाएगा, बस चाय बन गई है। और इसको अब छान लेते हैं गिलास में, जाएगा 600-700 रुपए तक। और ये जो कैन है ये आपको 4 कैन का सेट मिल जाएगा, वो भी 600-600 रुपए तक आराम से मिल जाएगा, 600 से भी कम में शायद डिस्काउंट चल रहा हो। तो 1200-1500 रुपए तक का ये पूरा सेट है, और सोचो 4 कैन आपके 20 दिन आराम से निकाल देंगे। एक बंदा मतलब आप ट्रैकिंग कर रहे हैं और या इस तरीके के टूर्स पे जाते हैं खासकर, तो वहाँ पे यार अपना टेंट और टेंट के साथ ये तो बहुत कमाल की चीज़ है। वजन भी नहीं है, दोनों में मिला के कोई आधा किलो वजन भी नहीं होगा। तो 4 कैन और ये एक चूल्हा, मतलब एक किलो के आसपास का वजन है, साथ में खाने का दाल चावल जैसी कुछ चीज़ें, मतलब 2-1 किलो राशन अगर ले ले बंदा एक आदमी का, तो 4-5 दिन की अगर कोई ट्रैक पे जा रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है। इसकी अच्छी बात यह है कि जब आप ठंडे इलाकों में या बर्फ़ वाले ऐसे इलाकों में जाते हो ना, तो वहाँ पे माचिस या लाइटर कई बार जलता नहीं है, गीला हो जाता है या जो भी है, उसका झंझट ही खराब है। कोई माचिस नहीं चाहिए, कोई आग की एक्स्ट्रा जरूरत नहीं है, इसके अंदर ही ऑटोमेटिक सारा सिस्टम है। तो ये बात मुझे बढ़िया लगी है। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं कुल्हाड़ी लेके घूम रहा था कब से कि लकड़ियाँ मिल जाए, और ऐसे सूखे पहाड़ों पे लकड़ियाँ भी नहीं मिलती। और इसको हाँ, इसको उसके बाद क्या करना है, थोड़े देर जैसे अब ये ठंडा हो गया ना, तो यहीं से इसको वापिस निकाला, ढक्कन लगाया, इसको दोबारा वापिस समेटा, और इसका जो ये छोटा सा कैरी बैग आता है इसके अंदर, देखो यार साइज देखो इसका एक मुट्ठी में आ जाए।